तुम अवर प्योर बाप की सीमत पर सारे विश्व पर पीस स्थापन कर रहे हो. यू आर एस्टैब्लिशिंग पीस इन द एंटायर वर्ल्ड ऑन द श्रीमत ऑफ द एवर प्योर फादर. तुम्हारी बुद्धि में है. इट इज देयर इन योर इंटेलेक्ट कि हम ही नर से श्री नारायण जैसे और नारी से श्री लक्ष्मी जैसे पद को प्राप्त कर रहे. We are achieving a position like that of Sri Narayan from a man and Sri Laxmi from a woman. बाप भी कहते हैं कि हम तुमको राजयोग सिखाए रहा हूँ. The father says too, I am teaching you Rajayog. और कोई मनुष्य मात्र तुम्हें राजयोग नहीं सिखा सकता. No other human being can teach you Rajayog. इसलिए अब तुम्हें पूरा पुरुषार्थ करना है. That is why you have to make full effort now. क्योंकि मैं कल्प में एक ही बार आता हूँ. It is because I come only once in a cycle. अब पूरा पुरुषार्थ नहीं किया. If you don't make full effort now, तो फिर कब भी नहीं कर सकेंगे. You can never make it. तुम जानते हो कि तुम्हारा ज्ञान भी गुप्त है. You know that your knowledge is secret. गुप्त ज्ञान है. It is secret knowledge. सब कोई इसकी गहराई को नहीं समझ सकते. So not everyone can understand its depth. उसे गीता में भी लिखा हुआ है. It is written in the Gita as well. गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम. The deepest knowledge. गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम. जैसी जैसी महीन बुद्धि बनती जाती है. The more subtle the intellect becomes. उतना उतना गुह्य ज्ञान धारण करती जाती है. The deeper the knowledge it understands. तुम्हारा योग भी गुप्त है. Your remembrance is also hidden. कोई जान नहीं सकता. Nobody can come to know. कि कौन कितना याद में रहता है. Who stays in remembrance to what extent. तुम्हारा प्रारब्ध भी गुप्त है. Your fruit is also hidden. भारत में तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो. यू आर एस्टैब्लिशिंग योर कैपिटल इन इंडिया.